Hello art lovers, welcome to my channel Creative Komal. I hope you all are doing well. For today's video, I'm going to share how to make POP dip 3D flower art. सबसे पहले बेस के लिए हमें चाहिए होगा प्लाईवुड या फिर MDF बोर्ड, बट मैं यहाँ पे बेकेलाइट शीट यूज़ कर रही हूँ A3 साइज़ की। और इसके बाद मैंने कुछ लिए हैं सनफ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं ये। और इसके बाद मेरे पास कुछ लीव्स हैं, बड़े छोटे मिक्सअप हैं, और मैं इन्हें सेपरेट कर लूँगी इनके स्टेम्स से ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो सके, जिस तरह मैंने इन फ्लावर्स को कट किया है। और इसके बाद मैं इन्हें एक बार सेटिंग करके इनकी देख लूँगी कि ये कैसे लग रहे हैं, ताकि फिर मैं इन्हें उठा के ईज़िली पेस्ट कर सकूँ। और पेस्टिंग के लिए मैंने यूज़ की है एक स्ट्रॉन्ग एडेसिव है, जो कि फेविक्विक की तरह होती है, एल्फी यूज़ कर रही हूँ ताकि जिससे इनका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाए। और इसी तरह मैं सारे फ्लावर्स को पेस्ट कर लूँगी और एक फाइनल लुक इस तरह आएगी। और आफ्टर पेस्टिंग मैं एक बार चेक कर लूँगी कि सारी चीज़ें अच्छे से पेस्ट हो गई हैं। और इसके बाद फिर मैं यूज़ कर रही हूँ POP पाउडर बोल सकते हो, या फिर जिम्सम पाउडर। और इसके लिए मैं इसमें फेविकोल और कुछ पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको बहुत जल्दी अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है और पूरा वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा ही पहले मिक्स कर रही हूँ। इसको बहुत ध्यान से मिक्स करना होता है ताकि इसमें कोई लम्ब्स ना रह जाए। इसकी कंसिस्टेंसी ना तो ज़्यादा थिन होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक होनी चाहिए, नहीं तो ये अच्छे से अप्लाई नहीं होगा। तो आफ्टर मिक्सिंग मैंने यहाँ पे ब्रश लिया है और ब्रश की हेल्प से मैं इसको अप्लाई कर दूँगी। और इसको बहुत फास्ट अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा ड्राई हो जाता है और ड्राई होने के बाद पूरा वेस्ट हो जाता है। और ये मैंने फर्स्ट कोट अप्लाई कर दिया है। फर्स्ट कोट अप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरह लगेगा। और इसको मैं अभी 6 hours ड्राई होने के लिए रख दूँगी। और 6 hours ड्राई होने के बाद मैंने ये सेकंड कोट भी अप्लाई कर दिया है और उसको भी 6 hours ड्राई होने के लिए रखना पड़ेगा। और उसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ कलर्स। कलर्स के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स, क्रोम येलो एंड लेमन येलो कलर्स ही मैंने लिया है, क्योंकि मैं इसको जस्ट मोनोक्रोमेटिक शेड में करना चाहती हूँ। तो मैं ज़्यादा कलर्स नहीं कर रही हूँ, बस हल्का हल्का टच ही दे रही हूँ कलर्स का। फ्लावर्स कंप्लीट होने के बाद मैंने दोनों कलर्स को मिक्स करके एक और कलर्स बना लिया है ताकि मोनोक्रोमेटिक शेड ही रहे। और लीव्स पे कलर कर रही हूँ। मैंने कोई थर्ड कलर यूज़ नहीं किया है, बस दोनों कलर्स को ऐड ऑन कर करके कलर्स यूज़ किए हैं। अब मैं लीव्स पे स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि लीव्स मेरे बिल्कुल हाईलाइट नहीं हो रहे थे तो इसलिए मैंने हल्की सी डिटेलिंग देना शुरू कर दिया है लीव्स पे। ऐसा लगेगा।